नेचर के साथ एक रिश्ता जो हमारा जुड़ा हुआ रहता है कि जिसे हम फॉलो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन आज मुझे सच में बहुत अच्छा और एक अलग सुकून सा फील हो रहा है। गांव में जाके इन बछड़ों के साथ, ऐसे ही खेत में जाके एक बार विजिट कीजिए, आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। जय महाराष्ट्र। और ये हमारे हैं किसान भाई, जिनका नाम वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। अच्छा मुझे बताइए, आप कुछ भी कुछ क्वेश्चन पूछिए मुझे, मैं आपको बहुत बोल दूंगा। मुझे सब यहाँ का सब मेरा हर दिन का वो काम रहता है। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जितना सुकून मिलता है वो हर दिन मिलता है। आप कुछ पूछिए मुझे, ऐसा कुछ आपको कुछ अलग अलग लग रहा है क्या, ऐसा कुछ पूछिए मुझे, मुझे, तो मुझे समझ में आएगा आपको क्या चाहिए और कौन सी चीज़ पसंद आ रही है। अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, यहाँ से आपका गाँव लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है और आपके सारे ये गाय भैंस जो भी है जो यहाँ पे रहते, तो आपको लगता नहीं यहाँ पे चोरी हो सकती है? नहीं, उन्हें मालूम है हम लोग कौन है, हमें सब सब लोगों को मालूम है, हम लोग डैशिंग लोग हैं इधर के, बहुत घबराते लोग हमारे हमारे अच्छा, यहाँ आते भी नहीं, किसी मतलब बात भी नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये तो नहीं कहना चाहते कि आप दहशत यहाँ पे फैलाए रखे हुए? नहीं नहीं, दहशत नहीं इधर, खाली इम्प्रेशन रहता है हमारा इधर। अच्छा, इसीलिए आपके पास चोर नहीं आ सकते? नहीं, सबको सब लोगों को मालूम है। अच्छा, और आप ये बताना चाहेंगे कि आप इतनी दूर आके फिर वापस जाते हो, तो आपको थकान महसूस नहीं होती? कुछ भी नहीं, यहाँ आने के बाद हमें तो बहुत खुशी होती है, ये सब बच्चों और ये सब 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 देखने के बाद हमारी तबीयत बहुत खुश होती है। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है, उसके बाद MSc भी किया है, BEd भी किया है, आपने इतनी पढ़ाई के बावजूद यहाँ पे आके इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको कैसा लगता है? कि मेरा वो पूरा परंपरा है, वो हमारे पूर्वजों से, वो बोले तो हमारे पिताजी के पिताजी वो पुराने बहुत सालों से हमारे खेती का बिजनेस चलता है, तो उसकी वजह से हम सब लोग खेती करते हैं। अच्छा। सुकून मिलता है सब लोगों को, तो बेस्ट स्ट्रांग रहती है, खाना अच्छा खाते हैं, अपना खुद का रहता है, वो सब अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और आपका प्लानिंग क्या है, आप कैसे किस तरह से खेती करते हैं, मुझे ज़रा इसके बारे में बताएंगे? अभी तो फिलहाल न्यू आ रही है फैशन, वो उसकी वजह से भी वो अभी खेती को ठिबक चल रहा है, ठिबक सिंचन में आ रहे हैं, ठिबक लगाते हैं आप, अभी बारिश अच्छी होती है तो पीक अच्छा निकलता है। अच्छा है, आपके पास ही एक शुगर फैक्ट्री है, तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं उसमें, मतलब आपको कुछ फ़ायदा है उसका? कुछ फ़ायदा तो नहीं है उसकी, खाली मलिज याद आती है वो उसका जो ये जो पसीना है वो क्या है, वो धूल जो निकलता है ना बहुत ज़्यादा हमारी तरफ आता है, बहुत परेशान करके छोड़ देता है हमें। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि पोल्यूशन ज़्यादा फैला रहा है और उसकी वजह से आप लोग बहुत तकलीफ में हो, तो आपको लगता है कि ये जो शुगर फैक्ट्री है ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, वैसे भी नहीं, ये होनी भी चाहिए, हमारे इम्प्रेशन रहता है, हमें लोग पूछते हैं, ये हमारा गाँव कहाँ है बोले तो कारखाने के पास बोले तो लोग हमें पहचानते हैं। अच्छा, मतलब वजह से कारखाना रहने के बाद अच्छा है, कुछ सुधारना करना चाहिए खाली कारखाने में वो। अच्छा, जैसे क्या बोले आप वो उसको उसके अच्छा, मतलब आपको लगता है उन्होंने पेड़ लगाने चाहिए वो, हम बहुत सारे, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो जाए, धुएं का जो वो पंप है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं तो वो हमारा बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, ये बात मैंने सुनी, यहाँ पे बहुत सारे पीकॉक रहते हैं, तो आप उन लोगों को उनको कुछ तकलीफ देते हो या नहीं देते हो? नहीं, हमें अच्छा लगता है, कुछ वो हमें तकलीफ देते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं तकलीफ देते, उनकी तकलीफ है हमें। हमारे खेत में उस दिन क्या हो, गेहूँ में खेत गेहूँ के खेत में बहुत परेशान किया, उन्होंने सब खत्म कर दिया हमारे।